चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। यूपी जोड़ो यात्रा लखनऊ पहुंची और इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बीच बड़ा दावा भी किया है, 2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगी ये कहा है। यूपी जोड़ो यात्रा पहुंची लखनऊ, भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, तो कांग्रेस ने 2024 में जीत का दावा किया है। हमारे साथ खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। लखनऊ पहुंच गई है यात्रा, क्या जो सफर रहा, क्या प्रमुख चीजें रही? अब इसमें प्रमुख चीजें महिला पुरुष किसान मजदूर नौजवान व्यापारी सभी लोग इस सरकार से दुखी हैं, सबका भरपूर और समर्थन। किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ पश्चिम में, किसानों के गन्ना के मूल्य के दाम नहीं बढ़े, और किसान कल देखिए मेरठ के अंदर एक किसान ने आत्मदाह कर लिया। ये किसान प्रताड़ित है इस सरकार से, और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, सारे नौजवानों को उनकी उम्र बीत गई और वो परेशान है। महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले अत्याचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है बनारस में, मोदी के संसदीय क्षेत्र में, जहां पर तीन तीन नौजवानों ने एक आईटी की लड़की के साथ बलात्कार किया, वो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के संयोजक है, कोई सहसंयोजक है। ये सारे लोग प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, पूरे प्रदेश और देश का हाल क्या होगा? क्या बड़ी संख्या में भीड़ है? बड़ी संख्या क्या क्या जन समर्थन है, ये जन समर्थन है, जन उन्माद है लोगों के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के, जो कांग्रेस का समर्थन और सहयोग करने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीतेगा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अजय राय का साफ तौर पर कहना है कि डंके की चोट पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बड़ी सीटें हासिल करने जा रही है। वीडियो दीपक अच्छा, शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।